है कि लगभग फरवरी में एक एनकाउंटर हुआ था फोर्सेस का और नक्सली का, जिसमें चार लोग जो थे जोनल कमांडर रैंक के जो मारे गए थे, और उसी घर पे हुआ था। तो संभव नक्सलियों को जो थे उन लोगों ने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी कि इन लोगों ने उसको जहर दे के चारों को मारा था, वो उसको बुला के। तो मुखबरी के आरोप में उसके यहाँ पहले भी 3-4 बार ये लोग शायद गए थे, मगर वहाँ से उनकी सूचना नहीं मिली। उसी क्रम में इन लोगों ने कल इनको सूचना थी, एक सरजू सिंह भोक्ता करके है कि वो आया हुआ है, उसका पूरा परिवार वहाँ पे था। तो उसी में उसी जहाँ एनकाउंटर पहले हुआ था, सेम घर है वो, उसी में उन लोगों ने जो सरजू सिंह भोक्ता नहीं मिला, उसका एक बड़ा बेटा था महेंद्र सिंह भोक्ता और एक दूसरा था सत्येंद्र सिंह भोक्ता, उनकी बीवी थी मनोज देवी और सीता देवी, सुनीता देवी। तो इन लोगों को वहाँ पे टॉर्चर करके लटका के मार दिया है। बहुत ही कायराना हरकत है और हम लोग इसमें आगे भी पहलू देख रहे हैं। लगभग हम लोग के आदमी जो गांव वालों ने है, जो गांव वाले ने डर के मारे नहीं किया, पर दबी आवाज़ में गांव वालों ने सबने लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है। गांव वाले बता भी रहे हैं किस किसने किया है। सर एक और है वहाँ पे कि नक्सलियों द्वारा जो दो घर वहाँ जो दो ही घर वहाँ पे है, तो वो लोग को फरमान भी जारी किया है कि आप लोग गांव छोड़ करके जाओ यहाँ से, अन्यथा जो ये चारों के साथ घटना घटी है वो आपके साथ भी घटना का नहीं है। इस तरह की बात हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई है कि भगाने के लिए, परंतु हाँ ये है कि बीच में भी ये लोग आए थे और जब एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से ये लोग वापस चले गए थे कहीं बाहर। तो इन्हीं लोगों ने नक्सलियों जो सोकॉल्ड है उन्हीं लोगों ने कह के बुलाया था कि नहीं नहीं तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग सब अपने हो, वापस आके रहना शुरू करो। और संभवतः अब जो अगला चुनाव आना है उसमें अपनी दिखाने के लिए, प्रेजेंस दिखाने के लिए ये कायराना हरकत की गई, लोग इसको देख रहे हैं आगे, और आगे की भी जो कार्रवाई है हम लोग पूर्ण करेंगे इसको। जो नक्सली बार बार आरोप लगाते हैं पर्चे के माध्यम से फेंकते हैं कि इस तरीके से जहर खुरानी की गई है, क्या उसमें मामला कुछ है? ये बिल्कुल गलत है, सब लोग जानते हैं। जितने भी एहतियातन होते हैं उसमें NHRC की गाइडलाइंस होती हैं, NHRC को हम लोगों को रिपोर्ट देनी होती है। उसमें इन लोगों का जो एक बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि इनको जहर दे दिया गया, जहर की बात नहीं है। हम लोगों ने बाकायदा वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था और उसके सारे SOPs जो थे वो फुलफिल किए गए थे, विसरा वगैरह भी सब प्रिजर्व किया गया था, विसरा में भी इस तरह की कोई बात नहीं आई थी। और ये एक इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया है ताकि दिखाने के लिए कि भाई गाँव वालों को भी एक दहशत बना सकें।